मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास थर्ड भाषा कोटर भाषा कोटर में चैप्टर 11 हम कर रहे थे ना एंड द चैप्टर नेम इज चांद का कुर्ता ओके नाउ ऑलरेडी वी फिनिश दिस चैप्टर ओके फर्स्ट इज शब्दार्थ हट मतलब जिद जब आप कभी जिद करते हो ना तो उसको हिंदी में एक और शब्द कहते हैं जिसको कहते हैं हट ठीक है सफर मतलब यात्रा झिंगोला मतलब ढीला कुर्ता एक झबले जैसा कुर्ता होता है ना उसको बोलते हैं झिंगोला मतलब ढीला कुर्ता झिंगोला झबला बोलते हैं ना भाड़े का मतलब किराए का कोई चीज़ भाड़े से लाए मतलब किराए से लाए सनसन मतलब बहुत तेज जब कभी हवा चल तेज चलती तो सनसने की आवाज़ आती ना मतलब बहुत तेज सलोने मतलब प्यारे सलोने का मतलब होता है प्यारे कुशल भला कुशल क्या हो गया भला क्वेश्चन आंसर आते हैं कौन हट कर बैठा हट करके कौन बैठा है तो आंसर है चांद हट कर बैठा चांद हट कर बैठा कविता में चांद अपनी माँ से क्या हट कर रहा है कविता में माँ चांद जो है वो अपनी माँ से क्या हट कर रहा है सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला तो यहाँ पर लिखेंगे कविता में चांद अपनी माँ से हट कर रहा है कि सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिंग मो, मोटा एक झिंगोला नेक्स्ट चांद क्या भाड़े पर दिलाने को कह रहा है चांद भाड़े पे क्या दिलाने कह रहा है कुर्ता कह रहा है ना तो चांद भाड़े पर कुर्ता दिलाने को कह रहा है चांद भाड़े पर कुर्ता दिलाने को कह रहा है नेक्स्ट है माँ ने चांद को क्या परेशानी बताई अब माँ के पास भी परेशानी थी उसने क्या बताई तुम एक नाप में कभी देखा नहीं तुम तुम तु, तुझे एक नाप में कभी देखा नहीं करती हूँ कभी तुम बहुत मोटे और कभी तुम भगुर भट्ट चौड़े हो जाते हो मतलब कभी क्या होता है वो एकदम से क्या हो जाएगा मोटा सा हो जाएगा कभी एकदम पतला पतला सा चौड़ा चौड़ा सा हो जाएगा ना और कभी वो गायब हो जाता है चांद का झिंगोला सिलने में क्या परेशानी है चांद का झिंगोला सिलने में क्या परेशानी है तो इसको एक पोयम की ही तरह आपको सॉल्व करना है ठीक है तो कभी तुम घटते हो कभी तुम बढ़ते हो कभी किसी की आंखों में दिखलाई नहीं पड़ते हो कभी-कभी चांद बिल्कुल गायब हो जाता दिखलाई नहीं पड़ता है ना तो अब तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे कैसा झिंगोला सिलवाऊँ तो अब ये तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कैसा झिंगोला सिलवाऊँ ठीक है अब सही विकल्प करना है रात भर कैसी हवा चलती है सनसन की मंद सनसन चलती है ना माँ ने चांद को प्यार से क्या कहा सलोना कहा था मोट गोल मटोल नहीं कहता सलोना क्या चा, स, क्या सदा एक सा सा नहीं रहता क्या सदा एक सा नहीं रहता क्या नहीं रहता सूरज का आकार कि चांद का आकार चांद का आकार सूरज तो हमेशा एक जैसा गोल ना बट चांद का आकार माँ क्या सिलवाना चाहती है झोला कि झिंगोला झोला तो हो गया जिसमें हम सब्जियां लेके आते हैं और झोला चीजें रखते हैं और झिंगोला मतलब हो गया एक झबला या ढाला कुर्ता अधूरी पंक्ति पूरी करो आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का ठीक है क्योंकि ये जो आपकी पंक्ति है जो पी, आपका चैप्टर का स्टार्टिंग है उसी में देखिए थर्ड पैरा वाला जो लाइन है ना थर्ड पैरा है ना थर्ड पैरा ही आपका है ओके अब नेक्स्ट आते हैं भाषा की बात अब यहाँ पे भाषा की बात है इनके दूसरे नाम क्या हैं मतलब इनका पर्यायवाची क्या है चांद को शशि भी कहते हैं चंद्रमा भी कहते हैं हवा हो गई वायु पवन माता हो गई यहाँ पे माता का क्या हो गया माँ हो गया भगवान हो गया ईश्वर ठीक है स्टूडेंट्स ये पांच क्वेश्चन तो आपको बता दिए हैं एक और क्वेश्चन है जो मैं भी आपको कराने जा रही हूँ वो भी आपको अपनी स्कूल कॉपी में लिखना है चलिए चांद का कुर्ता नामक कविता के कवि का क्या नाम है चांद का कुर्ता नामक कविता के कवि का नाम श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर है क्या है श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर है अब ये वाले आपको खुद करने हैं ठीक है चांद का कुर्ता नामक कविता की बारह पंक्तियाँ याद करके स्कूल कॉपी में लिखें उसकी बारह पंक्ति आपको याद करनी है और स्कूल वाली जो कॉपी हिंदी फर्स्ट की उसमें लिखना है अधूरी पंक्ति पूरी करिए अब ये आपको अपने आप करनी है बच्चे के बाद यहाँ पे बात है ने अरे कुशल करे तुझको अभी अब ये आपको खुद सर्च करनी है और इसको कंप्लीट करनी है ठीक है अ नाइस डे